हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अभी है शाम का टाइम, गुड इवनिंग। तो देखिए कितना अच्छा प्यारा वो लग रहा है ना, क्या बोलते हैं, सूरज ढलता हुआ सूरज। मेरे हस्बैंड बना रहे थे आज का वीडियो, तो वही दिखा रहे थे यहाँ पेड़ पौधे, और ये सारे चेंज हो जाएंगे क्योंकि अभी मैं तैयारी कर ही रही हूँ, तो सारे चेंज हो जाएंगे। अच्छा, मैं ये काम लेकर क्यों बैठी हूँ, मैं मतलब पेंट कर रही हूँ अपने जो डिब्बे रखे हुए थे ना मेरे पानी वाले, तो मैंने सोचा उनको खाली करके और अच्छे से उनको पेंट करके और तैयार कर लेते हैं, क्योंकि अब टंकी तो हो गई है, इस वजह से मैंने सोचा कि उनको ही हटा देते हैं। यहाँ मिट्टी रखी है बहुत सारी, नीम की पत्तियाँ रखी हैं, और मैं खाद लेकर आई थी, गोबर खाद वो रखी हुई है। तो ये मेरे सारे डिब्बे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मैं ये काम लेकर क्यों बैठी हूँ, तो कल जो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिला होगा तो मैं काम पर अपना जो काम है वो स्टार्ट किया मैंने, लेकिन फिर उसके बाद मुझे दूसरे दिन से ही आज से छुट्टी करना पड़ा, और वो छुट्टी इसीलिए क्योंकि अभी अभी मैंने गाड़ी ली है, आप लोगों को जहाँ तक बताया है और मैंने वीडियो भी शेयर किए हैं, जब मैंने पिछले साल धनतेरस में गाड़ी ली थी तो पता नहीं क्यों कैसी गाड़ी थी, बैटरी वाली, अब इतना तो कुछ पता नहीं था उसमें जानकारी, तो बस उसकी बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई है और ठीक भी नहीं हो रही है, तो न्यू वाली डलवानी पड़ेगी। तो बस अब हम वेट कर रहे हैं, कुछ पैसे हो जाएंगे फिर उसके बाद ही हाँ गाड़ी में जाना हो पाएगा, तो गाड़ी खड़ी हो गई घर पे अभी, तो उसमें कोई काम नहीं हो पाया, तो इसीलिए मैंने सोचा ये काम कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं मिट्टी को अच्छे से बना कर रख रही हूँ, और सबसे पहले नीचे है ना ये डिब्बों में जो जितने मैंने बनाए हैं कंटेनर सारे जो मतलब पौधों के लिए, उनमें नीचे मैं नीम की पत्तियों को भर दूँगी, ऐसे ही सूखी पत्तियाँ जितनी भी हैं सब मैं भरती जाऊँगी और फिर उसके बाद मिट्टी डाल दूँगी। तो मिट्टी में मैंने ये गोबर खाद और ये मिट्टी जो मेरी पहले से ही रखी हुई थी जो सारी पलटा के मैंने बोरियों में, तो वो मैंने मिला ली है, ऐसी कोई वो नहीं है। और पहली बार ऐसा हो रहा कि घर में मिट्टी होने के बाद मुझे यहाँ वहाँ से लाना पड़ा, क्योंकि मिट्टी अब जब से घर बना हुआ है ना तो मिट्टी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ वहाँ से मुझे बाजू से मोहल्ले से लाना पड़ा, तो मिल गई, इंतज़ाम हो गया। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा काम मतलब ऊपर मैं काम करके थोड़ा सा आई थी, और उसके बाद मैंने सोचा इन लोगों के लिए मैं फटाफट से नाश्ता बना देती हूँ, अगर मैं वो काम में लग जाती हूँ ना तो बड़ा मन लग जाता है मेरा, जैसे पौधों के काम में और एक घर के कामों में शुरू हो जाती हूँ ना तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है किचन में आने का। सुबह से मैंने चाय ही बनाई हुई थी और अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, और आज का नाश्ता बहुत ही स्पेशल और समझ लीजिए तीन टेस्ट में एक नाश्ता बन रहा है, मतलब एक नाश्ते में आपको तीन टेस्ट मिलेगा। तो कैसे, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और रेसिपी ज़रूर देखिएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा और आप लोग भी बना पाएंगे। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, जो मेरे हस्बैंड वो लेकर आए थे ना डबल रोटी टाइप में, मैंने बताया था आप लोगों से जो सैटरडे मार्केट की वीडियो में, तो वो लेकर आए थे और उसी का मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ये सब्जियों में दे रही हूँ एकदम चाइनीज़ फ्लेवर, तो मतलब चाइनीज़ का टेस्ट, तो चाइनीज़ की चीज़ें जैसे प्याज हो गया, शिमला मिर्च बस नहीं था मेरे पास, और पत्ता गोभी हो गया। तो सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया, इसमें मैंने जो मतलब सूखे मसाले होते हैं जो जैसे राई, जीरा, अजवाइन और सौंफ 1 टेबल स्पून थोड़ा थोड़ा डाला है, प्याज डाला है, फिर प्याज को क्रंची रहने तक भूना है तेज़ आंच पर, गैस की आंच जो है वो तेज़ है और उसको भूनना है। उसके बाद भूनने के बाद मैंने ये पत्ता गोभी डाल दिया है, तो इसको भी तेज़ आंच पर अच्छे से भूनना है, इसको पकाना नहीं है क्रंची रहने तक, जैसे कि हम चाइनीज़ बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही। और थोड़े थोड़े से मैं मसाले डाल रही हूँ, तो मसाले जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही मैंने इसमें यूज किया है, और अच्छे से मिक्स करना है। तो ये हो गया है चाइनीज़ का जो मतलब चाइनीज़ बनाते हैं उसके
वो तैयार हो गई स्टफिंग टाइप की, और इसमें आलू फोड़ के डाल दूंगी तो ये पाव भाजी के लिए तैयार हो जाएगी। तो मतलब इसमें है ना हर चीज़ हम बना सकते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी। ये जो स्टफिंग मैं बना रही हूँ ये सैंडविच में भी बना सकते हैं, पाव भाजी में भी खा सकते हैं। हल्का सा अगर हम जैसे पानी डाल लें ना तो बहुत ही अच्छी सी इसकी जो है बन जाएगी। लेकिन अभी मैंने ट्राई मतलब इसके बाद मैंने नहीं किया था, तो ये अभी मैं ऐसी ही रेसिपी बना रही हूँ। और फर्स्ट जो चाइनीज़ का जो हुआ था वो टेस्ट दिया मैंने, और उसके बाद दूसरा टेस्ट दे रही हूँ पाव भाजी का। तो पाव भाजी मसाला डालेंगे और इसमें कोई अदर मसाला नहीं जाएगा, क्योंकि पाव भाजी का टेस्ट फिर समझ में नहीं आएगा ना, इसीलिए मैंने इसमें जो पाव भाजी मसाला है वो डाला है, गरम मसाला भी नहीं डालूंगी। बस ये जो स्टफिंग है हमारी वो तैयार हो गई है और इसे मैं निकाल लूँगी और बस बर्गर टाइप में मतलब जो मेरी ब्रेड है अब उनको मैं बर्गर ही बना रही हूँ तो वही मैं बोल रही हूँ। तो इसको मैंने निकाल लिया है, हल्का सा ठंडा होने दूँगी, जब तक ये ब्रेड काटूँगी तो वो ठंडा हो ही जाएगा। और इसको मैंने बीस से कट कर लिया है अच्छे से, और इसमें जो चाइनीज़ का जो मतलब टमाटो सॉस चिली सॉस, मेरे पास हरी चटनी नहीं है, मैंने बनाई ही नहीं पाई, और बस ये मैं एक साइड टमाटर की चटनी लगाऊंगी, दूसरे साइड हरी वाली चटनी चिली वाली चटनी सॉस लगाऊंगी सॉरी। तो बस ये लगाना है और ये जो स्टफिंग हमने बनाई है इस पे रख देना है, और इसके बाद थोड़ा सा मैं इसको सेकूंगी। तो ये मैंने ना एकदम अपने आप मन से पता नहीं कैसे मुझे लगा ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो मैं इसका क्यों ना एक नया सा कुछ ट्राई करूं। मुझे पता तो नहीं है किसी ने ट्राई किया है या नहीं, पर मैंने बनाया है और इतना अच्छा बना था ना, मैंने तो 5 ही बनाए थे, एक और था ब्रेड। मैंने सोचा बड़े हैं क्या पता खाएंगे कि नहीं खाएंगे, लेकिन इतने अच्छा लगा था कि कार्तिक को बोल रहा था मम्मी मुझे और चाहिए, और रखे हो तो बनाना, और जबकि स्टफिंग भी बच गई थी बहुत सारी, तो उसको हम लोगों ने क्या किया दाल चावल में खा लिया। अच्छी लग रही थी इसकी स्टफिंग। तो ये देखिए सारे बर्गर बन जो बन के तैयार हो गए हैं, और इसका एक नया जो तरीका है सेकने का वो मैं क्या कर रही हूँ, देखिए मैं सीधे कढ़ाई में सेक रही। अब आप सोच रहे होंगे मैं एक एक सेकूंगी, तो ऐसा नहीं है, मैं इसको इसमें ना पूरे सेकूंगी एक साथ। तो पहले सबसे पहले हल्का सा इसको मैं नीचे साइड सेकने दूंगी और पलटा के ऊपर साइड कर दूंगी, अभी आप देखिएगा, क्योंकि तवे में चिपक जाता है हल्का सा, मैंने देखा। और इसमें क्या होता है ना कि अच्छे से ये निकल जाता है, इस पर मैं उत्पम भी बनाती हूँ ना तो बहुत ही अच्छे से आराम से निकल आता है। तो ये देखिए मैंने इसको साइड में कर दिया है, बहुत ही धीमी आँच है, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे बना रही हूँ। तो इसको धीरे धीरे ऐसे ही करके जैसे ये वाला किया है फर्स्ट वाला, वैसे ही सेम सारे ऐसे ही करके ऊपर खिसकाती जाऊँगी, बीच में दूसरा रखती जाऊँगी, तो इससे हमारे जो बर्गर बन हैं वो तैयार हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से सेक जाएंगे। तो ये एक बार में ही अच्छा काम है ना कि हमारे सारे बर्गर जो तैयार हैं। इसी तरीके से कभी कभी मैं सैंडविच भी ऐसे ही बना लेती हूँ एक बार में, तो उससे ज़्यादा मतलब बचत हो जाती है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं बचत के मामले में मैं बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, कंजूस हूँ। आप लोग पहले वीडियो में मैं ऐसे ही बोला करती थी ना, तो कुछ ऐसा। तो ये देखिए सारे जो बर्गर बन हैं बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए और इतने टेस्टी बने थे ना, सच में बहुत ही अच्छे बने थे। अगर ये और होते तो मैं और बना लेती, पर मैंने इतने ही बनाए। और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और है ना तीन टेस्ट में एक डिश में मतलब तीन फ्लेवर मिलेंगे आप लोगों को, अच्छा लगेगा। तो बस नाश्ता वगैरह हम लोगों ने करने के बाद फिर यहाँ पर ये काम में लग गए, ऊपर का काम ख़त्म करके आई थी फिर उसके बाद यहाँ पर काम में लग गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ताव वाले हैं, उनको ना बात बहुत जल्दी लगती है। तो देखिए हम लोग मिलजुल कर ये काम कर रहे हैं, और बहुत सारे मतलब पहले की वीडियो से मैं ये नहीं कह रही कि उसी पर अटकी हुई है, ऐसा नहीं है,
बस ये है कि ऐसे ही हम लोगों ने सोचा, थोड़ा बहुत घर पे ही सामान रखा हुआ है तो थोड़ा सा ही पैसा लगेगा इसमें, तो हम घर पे ही काम कर लेते हैं। अगर पैसा होता तो मैं बैठी नहीं होती और मैं बनवा लेती उसी टाइम पे, क्योंकि मैं तो सोच के ही बैठी थी कि ये लगे हाथ ये भी हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया था तो ऐसा हुआ। पर थोड़ा बहुत रखा था ना, तो हम लोग बैठ के फिर यही बात है कि ये थोड़ी देर नाश्ता करने के बाद, तो फिर डिसाइड हुआ फटाफट से 4-5 किलो जितनी भी सीमेंट लगी होगी, ज़्यादा ही लग गई थी, तो ये जुगाड़ वाला जो काम है वो हम कर ले रहे हैं। तो बस ये थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ से इकट्ठा किए सारी चीज़ें, और यहाँ पर मतलब बना तो पहले से ही था, लेकिन जो हमने पाइपलाइन डाला हुआ था ना नाली वाला, वो उससे जॉइंट नहीं हुआ था, और यहाँ पर बहुत सारी पुराई लगनी है। जितने में हम लोगों ने ये बनाया हुआ है आप लोग देख रहे होंगे, बिल्कुल इतनी ही पुराई पूरे आंगन में आएगी तब जाके ये कंप्लीट होगा, क्योंकि ये आप ऊपर वाला अगर मेरा हॉल जो नया वाला रूम देख रहे होंगे वो इतने ही लेवल पर है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा था। और ये मैं खुद खड़े जा रही हूँ, तो हम लोग खुद ही कर ले रहे हैं आज, तो हम लोग किसी मजदूर से कम नहीं लग रहे हैं, दोनों जन मजदूर किए जा रहे हैं। गैप होएगा तो उससे समझ आ जाएगा बनाया कौन मेरा। ये काम कैसे सीख गई? हमारा घर बना था और पहली बात तो हमारे पापा ही ठेकेदार, घर बना था तो हम लोग भी करवाते रहे, तो देख देख के आता है थोड़ी थोड़ी। हमने अपना घर खुद ही बनाया, अपने ही घर जो मम्मी लोगों का नहीं आता। ज्योति के खुद ही पापा ठेकेदार है और इनके भाई भी ठेकेदार, और ठेकेदार की लड़की होकर के इसको क्या करना पड़ रहा है? इतना काम यदि अगर मजदूरी से कराते तो कम से कम मेरे अंदाज से तो कम से कम मिस्त्री या मजदूर 1,000 रुपये तो ले ही लेते। ठेकेदार की लड़की कहाँ ऊंचा नीचा बना पाएगी? देख जी पानी निकलने लगा है, इसमें वो डाल देंगे अब चिकना चिकना, वो तो गया है, ये भी हो गया, थोड़ा सा बारीक वाला दिखा भी तो का जी काम करते करते काम में इतना मन लग गया था कि आज तो हम लोग ने खाना भी नहीं खा पाए हैं। और अभी मैं चाय बनाने आ गई हूँ, तो मैंने सोचा चाय ही पी ले रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, शाम के ना 6 बज गए थे, लेकिन खाना ही नहीं खा पाए, फिर शाम को वही फिर क्या है शाम ही को खाए थे, तो अभी मैं बना रही हूँ चाय, तो बस फटाफट से चाय पी लेते हैं, फिर जो काम बचा हुआ है वो भी और कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड अभी काम कर रहे हैं बाहर, जब तक मैं यहाँ चाय बना रही हूँ, और बहुत काम मतलब इतना है कि करवा लेते हैं, बहुत हेल्प हो जाती है, नहीं तो मैं अकेले कहाँ इतना काम कर पाऊँ, इसलिए वो बहुत हेल्प करवा लेते हैं। आप लोग ये ना सोचें कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ करवाते हैं। अभी आप लोग लास्ट में देखिएगा पूरा काम उन्हीं ने किया है, तो देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा अंधेरा होने वाला है, मतलब 4:30-5 बजने वाले हैं और अभी इतना काम बचा हुआ है। कुछ तो हम लोगों को जैसे वो करते हैं ना एक सा जो लेवल मिलाते हैं, वैसे करने में दिक्कत हो रही थी। अब ये काम तो ऐसा किए नहीं कि बने, बस ऐसे ही काम चला वाला काम करे जा रहे हैं, तो कर ले रहे हैं कुछ दिनों के लिए, जितने टाइम के लिए यहाँ पर ज़रूरत होगी तो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी तो पता नहीं कितना टाइम और लगेगा हमारा जो घर है वो तैयार होने में, तो अभी तो फ़िलहाल इसी को हम कर ले रहे हैं, तो इसी में हम थोड़ा बहुत काम हो जाएगा, बाकी का फिर देखते हैं जैसा भी होता जाएगा तो करवाते जाएंगे। देखो कितना खुश हो रही वाला, यहाँ भर जाएगा तो एक सा जाएगा, ज्यादा मसाला नहीं। अच्छे कमेंट क्या आ रहा कि मैं हंसता भी नहीं हूँ।
हंसते तो सब ही हैं, लेकिन क्या करोगे, मालूम नहीं रहा ना भाई है? कितने बजे से हंस के बताएं, लेकिन जल्दी जल्दी करो। तेरे ऊपर हंसी आ रही है और कहा, इसलिए तो हंसता हूँ मैं। जरा इधर हमारी टांग मार डाली कार्तिक ने। पांच का दे। काय के लिए पांच का? बिस्किट खाना। बिस्किट नहीं खाते, दाल चावल खाते। नहीं, हाँ तो दाल चावल दे। दाल चावल। हमें चाय भी नहीं पीने दी। नहीं, हमको तो पांच का चाहिए बिस्किट। अच्छे से भर देना उसको, मानो वहीं पे चूहा निकाल रहे हैं माटी। ठीक है, थक घर बैठे। कार्तिक यहाँ बैठ के परेशान कर, का चाहिए 5 रुपए। बाहर का चटोर बना खाना रहता है। निशान बन गए गोला वाले जी। ऐसे नहीं करते, चलो खाना खा लो। तो यहाँ पर देखिए, ये काम भी मतलब बोल रहे थे कि ये भी कर दे रहा हूँ। अब हमारे पास तो ऐसे औजार वगैरह हैं नहीं, मतलब ये सामान जो रहता है मिस्त्री का, जो चीज़ें थी उसी से कर लिए। लेकिन हाथ से बिल्कुल, अगर आप लोग सोचे कि हाथ से करो तो बिल्कुल मत करना, सीमेंट है क्योंकि हाथ ना एकदम टाँके कट जाते हैं उससे। पर क्या है, मजबूरी है तो अब हम कर ही ले रहे हैं। तो क्योंकि ऐसे सामान नहीं था हमारे पास, सिर्फ हमारा जो 2-3 चीज़ें हैं, जब काम लगा हुआ था ना हमारे घर में, तो मैंने खुद ख़रीद लिए थे 2-3 चीज़ें, ऐसे फावड़ा, तसला और एक ऐसी कन्नी डली हुई थी वो। तो इन्हीं से हमारा जुगाड़ बन गया है। लेकिन हाथ से तो मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि मेरे हाथ में जल्दी से टाँके आ जाते हैं, तो इसीलिए मैंने नहीं किया। तो फिर भी ये कर रहे हैं फटाफट से, जिससे जल्दी हो जाए। तो बस हो गया था ये काम भी हमारा कम्प्लीट और बन गया था। और इसके बाद रात हो गई थी करते करते, तो मैं इसके आगे आप लोगों को नहीं दिखा पाई। और मैं कल के वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी पूरा, कितना अच्छे से बना है, कैसा हुआ है। तो बस आज का वीडियो मैं इसी के साथ एंड करती हूं, और उम्मीद करती हूं कि आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।